रुखसती के वक्त दुल्हे के आगे और पीछे पुलिस के डाले, ट्रैफिक पुलिस की हैवी बाइक जो के एक दस्ते की सूरत में जिन्होंने प्रोटोकॉल दिया जो आमतौर पर वजीरों और मशीरों को मिलता है, ये शहीद की बेटी को क्यों देने का आपने इंतखाब किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है इबादत निसार साहब जो के ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और साबिक DPO अटक थे। आज से 20 साल पहले पुलिस फोर्स का एक जवान जिसका नाम अफरेज खान था वो शहीद हो गया। शहीद के शहादत पाने के बाद उसकी महदूद पेंशन में शहीद की बेवा ने अपनी बेटियों और बेटों को पाला। वक्त गुजरते गुजरते सबसे बड़ी बेटी जवान हो गई और उसकी शादी का मामला आन पहुंचा। शहीद की बेवा ये तमाम तर मामलात लेकर उस वक्त के DPO अटक इबादत निसार साहब के पास आई और इनसे इल्तमास की कि मेरी बेटी की शादी है, मैंने शहीद की महदूद पेंशन में अपने बच्चों को पाला है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लिहाजा आप मेरी बच्ची के जहेज का कोई बंदोबस्त कर दें, क्योंकि मेरे खावंद इसी डिपार्टमेंट के शहीद थे और उन्होंने शहादत का मर्तबा पाया था। कुर्बान जाऊं उस वक्त के DPO इबादत निसार साहब पर। इन्होंने अपने तमाम तर मुतल्लिका थानेदारों, पुलिस एहलकारों, अफसरान के साथ एक मीटिंग की कि शहीद की बेटी को हम अपनी बेटी के तौर पर रुखसत करेंगे, उसको जहेज भी देंगे, बारातियों को खाना भी खिलाएंगे। किसी ने TV दिया, किसी पुलिस अहलकार ने फ्रिज दिया, किसी पुलिस अहलकार ने माइक्रोवेव ओवन, तमाम पुलिस अफसरों ने शहीद की बेटी के भाई बनकर दिया और इसमें एक रुपया भी किसी से नहीं लिया गया। और तो और जब दुल्हा बारात लेकर गाँव में पहुंचा तो इबादत निसार साहब आजजी के साथ अपने पुलिस अहलकारों के हमरा हाथों में फूलों की पत्तियां उठाए दुल्हन के भाई बने वहां पर खड़े थे। ये तमाम मामला पूरे गांव ने देखा कि ये रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। मुझे बताइएगा ये सारा वाकया हुआ कैसे था? मैं तो इनमें से किसी भी खुशियत का हामिल नहीं हूँ, ना ही मुझ में कोई ख़ास बात है। और ये जो काम बेसिकली हुआ है ये मेरा नहीं था, ये पूरी अटक पुलिस का था। वहाँ के हर अफसर, वहाँ के हर जवान ने अपनी मोहब्बत के साथ और बड़ी खलूस के साथ इस इवेंट को किया। इस मौके पर जब ये शादी का हमें पता चला तो वो जो हमारे वेलफेयर अफसर थे, सब इंस्पेक्टर उस्मान साहब और जितनी भी टीम थी मेरी, उसमें नईम सब इंस्पेक्टर और मुतलका DSP साहिबान, उन्होंने इसमें बड़ी दिलचस्पी ली और फिर हमने ये फैसला किया कि हम इस इवेंट को, जो हमारा एक मुलाजम 20 साल पहले शहीद हुए है, हम उसको उसके बाप की कमी नहीं महसूस होने देंगे। जितने भी इंतजामात थे उनमें से किसी चीज का भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ना मेरा इसमें कोई किरदार है। मुझे ये बताएं, जब शहीद की अहलिया आपके पास आई, आपके सामने बैठी, आपसे दरख्वास्त की कि मेरी बेटी की शादी है तो कुछ हेल्प आउट कर दें, तो आपके दिल में ये क्यों ख्याल आया कि हम ना सिर्फ शादी में जाएंगे, शादी में शिरकत करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे, रुखसती के वक्त दुल्हे के आगे और पीछे पुलिस के डाले, ट्रैफिक पुलिस की हैवी बाइक जो के एक दस्ते की सूरत में जिन्होंने प्रोटोकॉल दिया जो आमतौर पर वजीरों और मशीरों को मिलता है, ये शहीद की बेटी को क्यों देने का आपने इंतखाब किया? हम उसकी फैमिली को और जो शहीद की बेटी की बारात है उसको हम एक अच्छे और पुरखलूस तरीके से हम रुखसत करें और उसको इतना मेमोरेबल बनाएं कि लोगों को ये याद रहे कि ये एक शहीद की बेटी थी जिसकी शादी पे एक इतने आला इंतजाम किए गए कि इलाके के लोगों में याद रहे, और जो हमारी फोर्स है उसका बेसिकली मोराल बूस्ट करना था कि हम आपको जो चले गए हैं उनको भी नहीं भूले और जो हमारे साथ हैं हम उनकी बड़ी इज्जत और तकरीम करते हैं। महकमा कभी भी दुख सुख के अंदर उनको भूलता नहीं है। इबादत भाई, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब दूल्हा आया, दूल्हे ने देखा कि आगे तो तमाम के तमाम जितने भी पुलिस एहलकार हैं उन्होंने फूलों की पत्तियां हाथ में पकड़ी हुई हैं प्लेटों में और आप भी उनमें शामिल हैं। आमतौर पर तो दूल्हा डर जाता है कि यार मैं जिधर आया हूँ आगे पुलिस खड़ी है, लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और था, वो भाई बने खड़े थे, ये ख्याल कैसे आया? हम इसको एक यादगार बनाना चाहते थे। इस शादी के अंदर डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए, जो इलाके के मुअज्जज़ीन थे वो शामिल हुए। आपकी अपनी कितनी बेटियां हैं? जी मेरी, मुझे अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं। आपकी अपनी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। तो जो शहीद की बेटी थी उस दिन ये नहीं फील हुआ कि नहीं 2 नहीं आज 3 है मेरी? हमने उसको अपनी बेटी समझा। मैं उसको ये समझता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं थी, वो पूरी अटक की जितनी पुलिस है उन सब की बेटी और बहन थी। ये एक टीम वर्क था, जो वहाँ की पुलिस की एक खलूस था, ये उनकी एक दिल की आवाज़ थी जो हमने की। जो प्रोटोकॉल दिया गया जब रुखसती हुई, आपने दस्ते शफकत रखा दुल्हन के सर पर भी और पूरा इलाका जो था उस वक्त अश्कबार था, आपकी फीलिंग्स क्या थी? इसके अंदर कोई प्लानिंग नहीं थी, ना
ना ये चीज़ प्लान होती है। हमने तो ये बस अल्लाह की तरफ से होता गया कि सरकमस्टांसेस ऐसे बनते गए, और शायद मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे उनका खलूस इतना ज़्यादा था कि जिस बंदे ने भी उसमें शिरकत की है उसने इंतहाई खलूस के साथ इसमें शिरकत की है। वो जो जज्बात और फीलिंग्स हैं वो बताई नहीं जा सकती, वो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें तो दे दें। पुलिस जो है वो इस माशरे का हिस्सा है, और हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं, खुशी गमी दुख तकालीफ, वो एक आम इंसान की तरह है जिसमें एक सड़क पे जाता हुआ बंदा जो है वो उसको महसूस करता है। हमारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल जो है वो आम इंसान की तरह हैं और एक आम बंदे की तरह है। हाँ, हमसे ड्यूटी के अंदर कोई गलती कोताही ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं होती। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मजबूरियाँ हैं, और हमारी जो इंसान होने के नाते जो गलतियाँ और कोताहियाँ हैं, मैं पब्लिक से ये जरूर कहूंगा कि इनको दरगुजर करें, जो हमारी अच्छाइयां हैं उनको ट्रू अप्रिशिएट करें। जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की आखिर में कि अच्छे बुरे इंसान हर जगह पर होते हैं, और मैं ये समझता हूं कि कुछ अच्छे इंसानों की वजह से कोई ना कोई डिपार्टमेंट चल रहा होता है। मीडिया में भी अच्छे लोग हैं, मीडिया में भी बुरे लोग हैं, हमारे अंदर भी काली भेड़े हैं। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में काली भेड़े होती हैं, लेकिन एक काली भेड़ की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को गंदा करना, ये भी कहीं का इंसाफ नहीं। दरगुजर करें, ये हमारे भाई हैं। पंजाब पुलिस अगर कोई गलत काम करती है तो हम माँ बहन की गालियां भी देते हैं सोशल मीडिया पर इन लोगों को। सोशल मीडिया की तारीख का ये हकीकी वाकया है। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आपने ऐसा हकीकी वाकया देखा हो जिसमें शहीद की बेटी को अपनी बेटी के तौर पर एक पुरवकार प्रोटोकॉल और एक पुरवकार तकरीब के बाद रुखसत किया गया हो। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी मोटिवेशनल टैलेंट है तो आप हमें डेली पाकिस्तान पे इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस टैलेंट और मोटिवेशनल स्टोरी को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह।